वैसे तो मुझे ये एक्सपेरिमेंट ठीक लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं एक बार ही जॉन अंकल से भी उनकी एडवाइस ले लूँगा। आखिर जॉन अंकल इतने बड़े साइंटिस्ट जो हैं। ट्वेंटी नाइन्थ अगस्त को मेरा बर्थडे आ रहा है और 31 अगस्त को मुझे वीडियो कॉल में अपनी टीचर को साइंस प्रोजेक्ट दिखाना है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बर्थडे को एंजॉय करूँ तो मुझे 28 अगस्त से पहले अपना साइंस प्रोजेक्ट कम्प्लीट करना होगा। मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं हर साल की तरह इस साल भी साइंस प्रोजेक्ट के लिए अवार्ड जीतूं। बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ बोलो मम्मी। बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो मम्मी। नाना जी का फोन आया था, वो मामा जी की एंगेजमेंट तय हो गई है और एंगेजमेंट 29 अगस्त को है। 29 अगस्त यानी मेरे बर्थडे वाले दिन। हाँ बेटा, एंगेजमेंट पे पापा चले जाएंगे। मैं नहीं, नहीं मम्मी, कोई बात नहीं, आप और पापा मामा जी के एंगेजमेंट में चले जाओ, मैं यहाँ पर अकेले मैनेज कर लूंगा। और वैसे भी मामा जी आप चार बहनों के एक लौते भाई हैं, आप उनके एंगेजमेंट में नहीं जाओगे तो वो बुरा मान जाएंगे। मम्मी आपको वहाँ पर जरूर जाना चाहिए। थैंक यू बेटा, मेरा बर्थडे हम अगले साल धूमधाम से मना लेंगे। हाँ बेटा। बेटा हम जाने की तैयारी शुरू करते हैं, मैं पापा को टिकट्स के लिए कॉल कर देती हूँ। ठीक है मम्मी। मम्मी आप लोग पहुँच गए एयरपोर्ट? हाँ बेटा, हम एयरपोर्ट पहुँच गए, मामा जी हमें दिल्ली एयरपोर्ट रिसीव करने आ जाएंगे। ठीक है मम्मी, पहुंचकर फोन करना मुझे। बेटा तुम अपना ख्याल रखना। ओके मम्मी, बाय, टेक केयर, हैप्पी जर्नी। थैंक यू बेटा। एक काम करता हूँ, अपने साइंस प्रोजेक्ट के लिए ना जॉन अंकल से हेल्प लेता हूँ। हेलो जॉन अंकल। बोलो बेटा। अंकल मुझे ना अपने साइंस प्रोजेक्ट के लिए ना आपसे हेल्प चाहिए थी। हाँ बोलो बेटा। अंकल 31 अगस्त को ना मेरा साइंस प्रोजेक्ट है, तो मैं आपसे ना अपने प्रोजेक्ट के लिए हेल्प लेना चाहता हूँ। आप मुझे बता सकते हैं कि वो प्रोजेक्ट अच्छा बना है कि नहीं? अगर वो अच्छा नहीं बना है तो क्या आप मुझे कोई अपना मॉडल दे सकते हो जिसपे मैं वर्क कर सकूँ? हाँ क्यों नहीं बेटा। थैंक यू अंकल। अंकल मुझे 28 अगस्त तक ना मेरा साइंस प्रोजेक्ट कम्प्लीट करना है। क्योंकि 29 को तुम्हारा बर्थडे है ना। अंकल आपको मेरा बर्थडे याद है? हाँ बेटा मुझे तुम्हारा बर्थडे याद है, उस दिन खूब इंजॉय करना। कैसा एंजॉय अंकल? मम्मी पापा ना मामा जी के एंगेजमेंट के लिए दिल्ली गए हैं और मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ना बाहर जा सकता हूँ और ना ही मैं अपने फ्रेंड्स को घर पर बुला सकता हूँ क्योंकि लॉकडाउन जो चल रहा है। तो इस बार का मेरा बर्थडे अच्छा मनेगा कि नहीं? बेटा तुम्हारा बर्थडे जरूर अच्छा बनेगा। क्या मतलब? बेटा एक काम करो, मुझे अपना साइंस प्रोजेक्ट सेंड कर दो, मैं उसे चेक करके तुम्हें कल कॉल करता हूँ। ठीक है अंकल, मैं आपको सेंड करता हूँ। बाय अंकल, थैंक यू। ओके बेटा बाय। हेलो जॉन अंकल। हाय बेटा, मैंने तुम्हारा प्रोजेक्ट देखा, तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बना है, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। बेटा तुम्हारे फोन में एक पॉपअप आया होगा, जरा चेक करो। हाँ अंकल आया है। बेटा कोड डालो 2229। कोड? अच्छा 2229। अंकल ये मेरा फेस स्कैन क्यों हो रहा है? बेटा ये तुम्हें कल पता चल जाएगा। लेकिन ये है क्या अंकल? कल तक का वेट करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। ओके अंकल बाय। बेटा बाय। Yes. अरे तुम कहाँ जा रहे हो? ये तो बिल्कुल मेरे जैसा दिख रहा है। एक्सक्यूज मी, तुम कहाँ घुसे जा रहे हो? हेलो माय फ्रेंड आशु, माय नेम इज रोबो, मैं जॉन अंकल की तरफ से तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट हूँ। हैप्पी बर्थडे।
थैंक यू। थैंक यू सो मच जॉन अंकल, मुझे आपका बर्थडे गिफ्ट मिल गया। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। बेटा तुम्हें पसंद तो आया ना? हाँ अंकल, मुझे बहुत पसंद आया। मुझे लगा था मुझे अपना बर्थडे अकेले मनाना पड़ेगा विदाउट फैमिली एंड फ्रेंड्स, लेकिन आपने ना रोबो को फैमिली और फ्रेंड्स के रूप में मेरे पास भेज दिया। इसके लिए थैंक यू सो मच अंकल। यू आर वेलकम बेटा। बाय अंकल। बाय बेटा। रोबो, हर साल ना मैं और मम्मी मिलकर मेरे बर्थडे के लिए ना डेकोरेशन करते थे और मेरे फ्रेंड्स आते थे मेरे बर्थडे पर, कितना मजा आता था। लेकिन इस साल डेकोरेशन करने का क्या फायदा जब कोई आने ही नहीं वाला है तो? टेंशन मत लो आशु ब्रो, मैं हूं ना। क्या मतलब? मतलब मैं तुम्हारा बर्थडे एकदम धूमधाम से मनाऊंगा। सच्ची मुच्ची? अरे मम्मी की वीडियो कॉल आ रही है। आशु, मम्मी की वीडियो कॉल आ रही है। ये तो फोन में बात कर रहा है, मुझे ही बात करनी पड़ेगी। हेलो मम्मी। हेलो आशु बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटा। और बेटा सब ठीक है ना वहाँ पे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बेटा आज पूजा है, कैसी लग रही हूँ? अरे तुम तो खुश भी नहीं हुए मुझे देखकर और वियर्ड सा रिएक्ट कर रहे हो। क्या हुआ आशु बेटा, कुछ बोल क्यों नहीं रहे आशु बेटा? अरे रोबो, रोबो जल्दी उठो। ओके आशु फ्रेंड। हाय मम्मी। तुमने इतनी जल्दी कपड़े कैसे चेंज कर लिए? कपड़े कैसे चेंज कर लिए, क्या बोलूं? मम्मी आपका मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू बेटा। हाँ आपके बाल साड़ी बहुत अच्छा लग रहे हैं। अभी पार्लर चक्कर आई हूँ बेटा, तुम्हारे लिए दिल्ली से तुम्हारी मनपसंद। हाँ मम्मी पक्का लेकर आना। मम्मी आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही मम्मी? मम्मी सुनाई नहीं दे रहा कुछ? आवाज आ तो रही है आशु। बेटा मुझे तो तुम्हारी आवाज साफ सुनाई दे रही है। मम्मी शाम को फोन करना फोन। ठीक है बेटा। बाय मम्मी, बाय, लव यू, बाय। देखो रोबो, मेरा कोई कॉल मत उठाना, चाहे वो वीडियो कॉल हो या वॉइस कॉल, ठीक है ना? ओके आशु। फिलहाल मम्मी बिजी है, मम्मी मेरी बात पे ध्यान नहीं देगी, इसलिए ना मैं मम्मी को रोबो के बारे में एकदम आराम से बताऊंगा। अरे रोबो तुम सफाई क्यों कर रहे हो? रूम गंदा है आशु। अरे मैं बाद में कर दूंगा, तुम रहने दो। अरे ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, ये देखो। अरे तुमने इतनी जल्दी सफाई भी कर दी? हाँ, क्योंकि मैं सुपर फास्ट हूँ आशु। अरे वाह, अच्छा तुम यहाँ पर आकर बैठ जाओ। ओके आशु। बस अब हम तीन लोग बचे हैं, मैं ये गेम जीत जाऊं। आशु फ्रेंड, ऐसे तो तुम गेम हार जाओगे, मैंने तुम्हारी गेम रीड कर ली है। तुम्हारा दुश्मन गिली सूट में तुमसे एक कदम आगे है, आगे मत बढ़ना। अच्छा। अब गन निकालो और शूट करो। यस, अब बस एक एनिमी बचा है, अब क्या करूं रोबो? अब तुम एटैक्स निकालो। हाँ। एनिमी छत के ऊपर छुपा है, अब तुम शूट करो। यस। रोबो तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हारी वजह से मैं ये गेम जीत गया। क्या धोया हीरो ने विलेन को। भिशुम, भिशुम। अच्छा सुनो रोबो, मुझे ना भूख लगी, मैं खाना खाकर आता हूँ। ये खाना क्या होता है आशु? खाना मतलब जिस तरह से तुम रोबोट्स को जिंदा रहने के लिए चार्जिंग चाहिए होती है ना, उसी तरह से हम इंसानों को जिंदा रहने के लिए ना खाना खाना पड़ता है, चार्जिंग है हमारे लिए। हाँ। अभी आया। ओहो तुम इंसान भी ना। क्या हुआ आशु फ्रेंड, तुम उदास क्यों हो? रोबो
लॉकडाउन की वजह से मैं कहीं खेलने भी नहीं जा सकता, कितना बोर फील हो रहा है। आशु फ्रेंड, मेरे होते हुए तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे साथ हाइड एंड सीक खेलूंगा, जाओ छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढता हूँ। हाइड एंड सीक? हाँ खेलते हैं। रोबो, मैं ऐसी जगह छुपूंगा ना, तुम मुझे कभी ढूंढ नहीं पाओगे। 1, 2, 3, 4, 5 यार रोबो मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। 10 आशु फ्रेंड, तुम कर्टन के पीछे छुपे हो, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। हाँ रोबो, तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? मैंने तुम्हें स्कैनर की मदद से ढूंढ लिया। रोबो, तुमने मुझे हाइड एंड सीक में तो ढूंढ लिया, लेकिन तुम मुझे चेस में हरा नहीं पाओगे। चलो स्टार्ट करो। ओके फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। चेक मेट। रोबो, तुमने मुझे चेस और हाइड एंड सीक में तो हरा दिया, लेकिन तुम मुझे डांस में हरा नहीं पाओगे, ये करके दिखाओ। आशु, ये देखो हिप हॉप, ये देखो सालसा, ये देखो गरबा, बॉलीवुड, टैप डांस। आशु फ्रेंड, तो कैसा लगा मेरा डांस? मुझे और डांस फॉर्म भी आते हैं, तुम्हें दिखाऊं? रोबो, मैं तो भूल गया था कि तुम एक रोबोट हो, तुमको हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे तुम हो तो कमाल। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे आशु बेटा। थैंक यू मम्मी। गॉड ब्लेस यू बेटा। एंगेजमेंट शुरू होने वाली है, तुम्हें फ्री होकर कॉल करती हूँ। ठीक है मम्मी। बाय बेटा, लव यू। बाय। रोबो, पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे बर्थडे में मम्मी पापा यहाँ पर नहीं है, और कोई फ्रेंड भी नहीं आ रहा है मेरे बर्थडे पे, लॉकडाउन जो है। हाय मोनू। हाय आशु, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आशु बाहर आओ। क्या हुआ रोबो? अरे आओ तो सही। क्या है रोबो? आशु, वेलकम टू योर बर्थडे पार्टी। रोबो, ये सब मुझे बहुत पसंद आया। हाँ मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा, मैंने देखा कि तुम अपने बर्थडे के दिन एकदम उदास हो, ये देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने सोचा कि मुझे तुम्हारा बर्थडे एकदम स्पेशल बनाना चाहिए, ये सब देखकर तुम्हें अच्छा लगा ना। हाँ। अब जल्दी से अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद? लेकिन क्यों? जल्दी करो। अच्छा ठीक है। अब अपनी आंखें खोलो। रोबो, इतना बड़ा केक मेरे लिए? हाँ आशु, ये मैंने खुद बनाया। थैंक यू रोबो, थैंक यू सो मच। मुझे लगा था
इस साल का बर्थडे बिना फ्रेंड्स, बिना मम्मी पापा के एकदम फीका फीका रहेगा। लेकिन तुमने ना मेरा बर्थडे एकदम स्पेशल बना दिया, वन ऑफ द बेस्ट। मेरे होते हुए तुम्हारा बर्थडे कैसे फीका फीका हो सकता था? मैं आया ही इसलिए हूँ ताकि तुम्हारी लाइफ एकदम स्पेशल बना सकूं। हाँ, हैप्पी बर्थडे आशु। चलो अब केक काटते हैं। हाँ चलो, केक काटने के बाद डांस करेंगे। आशु बेटा, मुझे लगा मैं और पापा वहाँ नहीं है तो तुम उदास होगे, पर बेटा तुम तो काफी खुश नजर आ रहे हो। मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मेरे साथ मेरे बर्थडे में मेरा बेस्ट फ्रेंड जो था। बेस्ट फ्रेंड? हाँ, बेस्ट फ्रेंड रोबो। रोबो? अरे बेटा, ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिख रहा है ना मम्मी। ये कौन है? मम्मी, इसे ना मुझे जॉन अंकल ने बर्थडे गिफ्ट में दिया है। हेलो मम्मी, नमस्ते। नमस्ते बेटा। हरी, ये तो बहुत मम्मी, ही प्यारा आपको ना मैं बाद में वीडियो कॉल करूंगा, फिलहाल ना फंक्शन एंजॉय करो। ठीक है बेटा, बाय मम्मी। बाय रोबो। थैंक यू रोबो, मेरे बर्थडे को इतना स्पेशल बनाने के लिए। इसमें थैंक यू कैसा, हम लोग फ्रेंड्स जो हैं। फ्रेंड नहीं, बेस्ट फ्रेंड। आज है 29 अगस्त, यानी कि आपके मोहक मीत का बर्थडे है। तो ये थी मोहक मीत की स्पेशल बर्थडे वीडियो। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे 12 PM, क्योंकि हमारी वीडियो आती है एवरी सैटरडे दोपहर 12 बजे। याद रखना, तो फटाफट से मोहक मीत चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको ये रोबोट और आशु की जोड़ी कैसी लगी ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन भी दबाएं, सब्सक्राइब करें टू मोहक मीत।